इस बार बिग बॉस सीजन 13 है, 13 सीजन, ये बिग बॉस का टैगलाइन है और सच में 13 सीजन है। नए नए कारनामा हमें देखने को मिल रहा है जो कि बिग बॉस 12 तक हम देख नहीं पाए थे, और यही कारनामा बजाय रखते हुए बॉस ला रहे हैं एक नया वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट जो कि है विकास गुप्ता, जो कि ऑलरेडी थे बिग बॉस 11 के पार्टिसिपेंट और उन्हें मास्टरमाइंड का खिताब मिला था। तो कब आएंगे वो, क्यों आएंगे, किस लिए आ रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं। इसके लिए आपको बने रहना होगा रहस्य लाइव में और मैं भास्कर आपको सब बात बताने वाला हूँ। विकास गुप्ता ऑलरेडी बिग बॉस 11 के सेकंड रनर अप रह चुके हैं, बिग बॉस में उनके जैसा मास्टरमाइंड अभी तक नहीं देखा है हम लोग या फिर बिग बॉस वाले, तो उन्हें बिग बॉस 12 में भी लाया गया था और बिग बॉस 13 में वापस से लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देवलुना के रिप्लेसमेंट के हिसाब से लाया जा रहा है, लेकिन बिग बॉस वाले ऐसे कोई कॉन्टेस्टेंट को नहीं लाते हैं जो कि पहले बिग बॉस के कोई सीजन होस्ट कर चुके हैं या फिर सीजन में कॉन्टेस्टेंट रह चुके हैं। तो यहाँ पर विकास गुप्ता को क्यों लाया जा रहा है, विकास गुप्ता को थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज करवाने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस 12 में विकास गुप्ता को लाने के बाद बिग बॉस घर के जो सिचुएशन था वो चेंज हो गया था। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने ओपन किया है एक बंगाली चैनल जहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत अननोन फैक्ट जानने के लिए। ऊपर आई बटन पे लिंक है, जाकर वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस बार भी और चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी हर वीक बिग बॉस का जो इक्वेशन है वो चेंज हो रहा है, और भी चेंज करना चाह रहे हैं, बिग बॉस शायद इनसे खुश नहीं है, इसलिए विकास गुप्ता को लाया जा रहा है। और विकास गुप्ता कुछ दिनों के लिए रहेंगे यहाँ पर, कुछ घंटे के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि पिछले सीजन में भी कुछ दिनों के लिए रहे थे बिग बॉस में। तो वीकेंड का वार से पहले आ जाएंगे, थर्सडे या फ्राइडे तक आ जाएंगे विकास गुप्ता, और शायद वीकेंड में वो चले जाएंगे या फिर कुछ दिन रह भी सकते हैं। शायद नेक्स्ट नॉमिनेशन जो है विकास गुप्ता के हाथों होगा या नहीं भी हो सकता है, वो हम आगे जाकर ही देखेंगे, लेकिन विकास गुप्ता आ रहे हैं ये सोच से पता चला है और ये कन्फर्म न्यूज़ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, विकास गुप्ता आने के बाद घर का इक्वेशन चेंज होगा या नहीं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको मीठे मीठे कॉमेंट का।